links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into four phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसएन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा, इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर 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 हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के दो इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। डियर व्यूअर्स, द पिवोटल पावर डिसेंट हैज बिगन एंड द लैंडर मॉड्यूल इज प्रोपेलिंग टुवर्ड्स द मून सरफेस along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम अब देख सकते हैं
रख ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। ड्यूरिंग दिस रफ ब्रेकिंग फेज द लैंडर वेलोसिटी शैल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 1680 मीटर्स पर सेकेंड टू 358 मीटर्स पर सेकेंड। द ऑल्टीट्यूड विल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 30 किलोमीटर्स टू 7.4 किलोमीटर्स एट द एंड ऑफ रफ ब्रेकिंग। ऑल दिस इन द ड्यूरेशन ऑफ 690 सेकेंड्स और 11.5 मिनट्स। Currently, the laser inertial reference and accelerometer package LIRAP is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेग मान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase, we can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. RUCC, अभी हम इस ground trace को देखते हुए कह सकते हैं कि rough braking phase की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। द मिशन ऑपरेशंस टीम इज एनालाइजिंग द डेटा। We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड आर्डर गाइडेंस पॉलीनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। ड्यूरिंग द एंटायर डिसेंट देयर इज नो ग्राउंड इंटरवेंशन एज द ALS हैज टेकन चार्ज। द प्रिपरेशन फॉर टुडेज इवेंट हैड स्टार्टेड नियरली 48 आवर्स बिफोर, वेयरइन वेरियस प्री सेलेक्शंस एंड अपलिंकिंग ऑफ पैरामीटर्स were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल, जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। इंजीनियर
यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करेंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर इज कंटिन्यूअसली टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द मून सरफेस एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग स्ट्रीम्ड हियर। करेंटली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज बीन ब्रॉट डाउन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 574 किलोमीटर्स। द करेंट ऑल्टीट्यूड इज 27 किलोमीटर्स एज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। द नेक्स्ट फेज आफ्टर द रफ ब्रेकिंग फेज इज द एटीट्यूड होल्ड फेज विच विल बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ नियरली 10 सेकेंड्स। द लैंडर विल बी ओरिएंटेड सच दैट बोथ द ऑल्टीमीटर्स विल बी लुकिंग एग्जैक्टली टूवर्ड्स द मून सर्फेस। एट द एंड ऑफ दिस एटीट्यूड होल्ड फेज हाइट मेजरमेंट अपडेट टू नेविगेशन सिस्टम विल बी गिवन फ्रॉम द लेजर एंड कार बैंड ऑल्टीमीटर्स। करेंटली वी आर इन द मिडल ऑफ द रफ ब्रेकिंग फेज। जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। द आल्टीट्यूड ऑफ लैंडर फ्रॉम ग्राउंड इज करेंटली 12 किलोमीटर, इज करेंटली 22 किलोमीटर, विच इज अगेन गोइंग टू बी कमिंग डाउन एंड दैट इज एक्सपेक्टेड। For the viewers who have joined now, we are in the powered descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the powered descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। एट द सेम टाइम वी कैन सी द आल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर इज जस्ट 17.8 किलोमीटर फ्रॉम द मून सरफेस, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एटीट्यूड होल्ड फेज वेयर वी विल बी एक्सपेक्टिंग सेंसर अपडेट फ्रॉम द लेजर एंड कार बैंड ऑल्टीमीटर्स। We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है।
After the rough breaking and the attitude hold phase, we shall be having the fine breaking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine breaking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग शून्य होगा। वी कैन सी द विजुअल ऑफ द लैंडर मॉड्यूल एंड वी कैन सी दैट द डाउन रेंज ट्रैवल्ड इज नियरली 831 किलोमीटर्स। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट, विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। लॉट ऑफ अप्लॉज indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1.
The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हाइवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently only two engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. धीरे-धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा, द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। सर,